तो आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। इस मॉडल को मैंने पोर्च के साथ डिजाइन किया है और पोर्च बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। दोनों साइड आपको बेडरूम्स मिलते हैं, इसलिए दोनों साइड अलग अलग मैंने डोर और विंडो दी है। इसका मेन डोर आपका बीच में है जो देख रहे हैं। इसके साइड में भी मैंने विंडोज वेंटिलेशन के लिए दिए हैं छोटे छोटे से, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। इसी मॉडल को पूरा आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है, तो मैं आपको और चीजें पहले इसकी दिखा देता हूँ। साइड व्यू आपको दिखा देता हूँ। हालांकि थ्री साइड क्लोज्ड है साइड में, और जस्ट बैक साइड, दोनों साइड और बैक साइड क्लोज्ड है, फ्रंट में ही आपका ये मकान ओपन है। अब बात करते हैं, इसका मैं टॉप व्यू आपको दिखाऊं तो ऊपर मैंने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बनाया है, इसका फर्स्ट फ्लोर नहीं क्रिएट किया है। मैं बात करें इस साइड की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बेहतरीन सा प्लान आपके सामने बनकर रेडी हुआ है। 36x45 में मकान पूरा बना है, मतलब 36 फिट इसकी चौड़ाई है, 45 फिट इसकी लंबाई है। इसी मॉडल को आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो मैं पहले जूम करके आपको दिखा दूं इसका रियलिस्टिक व्यू आपके सामने, और चीजें क्लियर हो जाए। जैसे कि इसका जो ग्रिल का डिजाइन है वो आप देख लीजिए, इसमें कर्व्ड ग्रिल मैंने यूज किया है, साथ साथ जो खपरेल का डिजाइन होता है ना गांव में, उसको भी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो ये पूरा पोर्च का आप डिजाइन देख सकते हैं, आपको पोर्च भी बेहतरीन सा देखने को मिलता है। तो यही पूरा प्लान आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो चलो इसके ग्राउंड फ्लोर का हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, आप देख पा रहे होंगे ग्राउंड फ्लोर पर मैंने क्या क्या क्रिएट किया है। दो पिलर उस पर, थ्री साइड से बीम क्रिएट किया है, देख सकते हैं बीम, और उस पर ये डिजाइनिंग के पर्पज से कुछ चीजें क्रिएट कर दी। मेन डोर आपका ये है, जैसे हम मेन डोर से एंट्री करते हैं ना, तो आपके सामने ये पूरा देखिए, मैं टॉप व्यू पहले दिखा देता हूँ। ऊपर से आपका मकान ऐसा दिखने वाला है, जिसमें चार बेडरूम है, चारों कॉर्नर पर बेडरूम है। जस्ट सामने आपको दो लेट एंड बाथ देखने को मिल रहे हैं, और ये आपका किचन एरिया है। इधर स्टेयर्स है, इससे आप ऊपर जाएंगे, और उसी के नीचे मैंने एक स्टोर रूम भी बना दिया है, और चारों कॉर्नर पर बेडरूम है, सबके लिए अलग अलग डोर मैंने यहाँ पर दिया है। और फ्रंट का अगर हम बात करें, तो ये देखिएगा कॉम्बिनेशन आपका बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो ये इसका फ्रंट पूरा देख सकते हैं, तो आपको चीजें समझ में आ गई। जैसे मेन डोर से आप एंट्री करेंगे ना, तो लेफ्ट और राइट साइड बेडरूम मिलते हैं, अंदर से भी मैंने डोर दिए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको तो लेफ्ट साइड में आपको किचन मिलता है और एक बेडरूम मिलता है, राइट हैंड में आपकी स्टेयर्स और उसके नीचे स्टोर रूम, और जस्ट सामने आपको दो लेट एंड बाथ मिल जाते हैं। तो चार बेडरूम, बीच में आंगन है जहाँ पर आप जाल रखवाएंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ, इससे आपको चीजें और इसकी समझ में आए कि इसका पिलर का डिजाइन भी आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, और साइड में इसका विंडो। आगे मैंने कुछ प्लांट वगैरह लगा रखे हैं, ये पूरा पोर्च है जिसमें आपको स्टेयर्स मैंने दिया है, जिससे आप ऊपर चढ़कर जाएं। उससे पहले दोस्तों मैं पूरा और चीजें दिखाऊं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्मार्ट हाउस प्लान को बेल आइकन भी प्रेस कर दें, मेरे आने वाली वीडियो आप देख सके। दोस्तों मैं एक पेड सर्विस भी यूज करता हूँ, रन करता हूँ, जिससे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप अपने घर का नक्शा बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करना होगा, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो हमारी पेड सर्विस है। इसका विशेष ध्यान 50% आपको पेमेंट पहले करना होगा, 50 बाद में करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूं, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल बना है, उसी में आपका एक फ्रेल का डिजाइन और ये कर्व्ड शेप में आपका ग्रिल बना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक ग्रिल का इस्तेमाल किया है जो कि वाइट है। इसके बाद ये भी चाहिए देख, कुछ डेकोरेशन के साइज में मैंने चीजें आपको जो सर्कल से छोटे छोटे दिख रहे होंगे, डेकोरेशन के पर्पज से चीजें क्रिएट की गई है। साइड में आप देखिएगा, अगर आपके घर पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक करके जरूर बताएं कि हमें पसंद आया। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं नहीं आते हैं, और अगर आपको ये मॉडल पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें। तो अगर आप इसका 2D प्लान चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp पर कॉन्टेक्ट करिएगा, आपको कुछ पे करना होगा, इसके बाद इसका 2D प्लान मैं आपको दे दूंगा। अगर मॉडल पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।